जरूरी है। धर्म से जुड़े रहोगे तो तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा। यदि धर्म से मुड़ जाओगे तो आपकी रक्षा स्वयं भगवान भी नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने कहा था तुमको, हे अर्जुन तेरे रथ पर इसलिए कहूं क्योंकि तू धर्म में है और जो धर्म में खड़े हैं मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूं। सुखदेव जी महाराज आज राजा, कृष्ण जी दशरथ राजन, कंस ने जल शे पुत्र मारुडे देवकी रे सतमा गर्भ सोच रहा नष्ट हुई है, लेकिन भगवान की माया द्वारा उसी रोहिणी दे गर्भ में स्थापित किया गया, परिवर्तित किया गया। और आठवें गर्भ में कंस की काल कोठरी में वो वृंदावन मथुरा में उस काल कोठरी यानी काल कोठरी आज भी है। गया ना वृंदावन कौन कौन गया है? हाँ, कथा ने चार दिन पहले भी वृंदावन गया तो मथुरा ने जी काल कोठरी में तुम भगवान मथुरा जन्मे हो तो अति उस मिले अद्धी जी पुनर्निर्माण करता है। तो महाराज उस भयंकर अंधकार में देवकी और वासुदेव को रखा गया, लोड़ी तक हुई है। लेकिन ऐसा सुखदेव जी कहते हैं राजन जब भगवान गर्भ में आए, बोले महाराज भगवान का गर्भ में नहीं आते। बोला क्यों नहीं आते? गर्भ में भी तो भगवान प्रवेश करते हैं, मंदिर का जो स्थान होता है जहां भगवान विराजते हैं उसे ही गर्भगृह कहा जाता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान चाहे तो जन्म ले, भगवान चाहे प्रकट हो, भगवान चाहे तो उतरे अवतरित हो, भगवान तो समर्थ है और समर्थ के लिए संसार में कुछ कठिन है, और भगवान तो सर्वशक्तिमान है सर्वसमर्थ है। गर्भ में भगवान जब आए उतरे भगवान अवतरित हुए, जैसे ही भगवान गर्भ में चाहे करोड़ा सूर्य का तेज फैल रही होता है। कंस ने कहन दिखा तो लपक खड़ी है, कंस ने क्यों मी आना उस दिन सुनयो जिस दिन आइया गया। तो भाद्रपद अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र रात्रि के 12 बजे के लगभग जब भगवान आने ही वाले थे, समस्त ऋषिगण ऋषि मुनि देव गंधर्व भगवान की राह बांट रहे हैं, देख रहे हैं भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े। आज समुद्र का वो जल जो बहुत खारा है ऐसे मीठा हो गया मानो यहां दुधर अंदर मीठा हो। जो फल वृक्ष कभी फले नहीं आज वो फले, जेड़ी गमा करे की सुइया वो भी आज भगवान की कृपा करने फली हुई। आकाश भगवान का अभिनंदन करने के लिए अपने परिवार सहित खड़े हो गए सारे लोग भगवान आराम दिखा करते। वेद स्वयं प्रकट हुई भगवान की स्तुति करा करते हैं, ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करा करते हैं, देवी देवता परिवार सहित गंधर्व यक्ष किन्नर सब भगवान को कर रहे हैं। जब भगवान का समय आया तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं उस मथुरा की कार कोठरी में बाहर खड़ोते हुए पहरेदार किन्ने दुर्भाग्य किन्ने बदकिस्मत कि भगवान कार आए ते पहरेदार की नींदर लगी गई ना, पापियों की नींदर प्यारी होंगी, भक्तों की भजन और परमात्मा प्यारा होता। जन्माष्टमी का दिन होता उन्हें भक्त लोग उस दिन सौंदे नहीं और कई पापी होते हैं उन्हें मधी निंद्रा मत सोना क्यों सोते हैं उवे लोग होते हैं जिंदर पाप का प्रभाव होता, इसलिए आखिर भगवान का जिस दिन अवतार हो है उस दिन सोना नहीं चाहिए। जब पहरेदार सो गए और भगवान के अवतार
अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र रात्रि के 12 बजे भगवान देवी गर्भ से प्रकट हुए और जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान का चतुर्भुज रूप देखा तो स्तुति की भगवान वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रदक्षिणे नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब से जग में